पाठ को आगे बढ़ाते हैं। माटी वाली बार बार विचार करती है कि भूख मीठी के भोजन मीठा, और यह हकीकत है। भोजन मीठा तब होता है जब हमें भूख लगी होती है, और जब भूख लगी हो तो भोजन अच्छा है या बुरा है ये नहीं देखा जाता। और माटी वाली तो गरीब है, उसके लिए बासी रोटी पकवान की तरह है, मेवे मिष्टान्न की तरह है। उसके पास वक्त नहीं है बहुत कुछ सोचने के लिए, दिन भर उसका निकल जाता है मिट्टी खोदने और दूसरे के घरों में पहुंचाने। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिस पे वो रहती है वो भी गांव के किसी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे उसके यहाँ बेगार काम करना पड़ता है और मिट्टी भी पहुँचाना पड़ता है। आज वह एक गठरी में बदल गए, और अब फिर विचार करती है कि उसका बूढ़ा पति जो बीमार है, जो पैर हाथ मोड़ के लेटा रहता है, तो उसके लिए लेखक ने बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग किया है, गठरी में बदल गए बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से जो उससे कुछ आमदनी हुई है उससे उसने एक पाव प्याज खरीद लिया है। वो घर जाएगी, प्याज को कूट कर जल्दी जल्दी तल देगी और बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी जब तैयार हो जाएगी, प्याज की सब्जी, प्याज भुनी हुई, प्याज भुन के वो देगी, वो उसके लिए सब्जी के बराबर होगी। और वो तब जब रोटियां देगी, दो रोटियां, तो वो सोचती है कि वो इतना बीमार और असक्त हो गया है कि वो दो रोटी भी नहीं खा पाता, एक या डेढ़ रोटी खाता है, वो ज़्यादा नहीं पचता उसको। बाकी डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लगी, क्योंकि उसके पास आज तीन रोटी है। वो रोटी को गिन रही है क्योंकि वो गरीब है, वो बासी रोटियों को गिन रही है क्योंकि रोटियों को कमाने के लिए उसे बड़े मेहनत करने पड़ती है रोटी कमाने के लिए, और वो रोटियां जो हैं उसे मुफ्त में मिली हैं, वो बासी हैं तो क्या हुआ, वो उसके लिए अनमोल है। ये सब हिसाब लिखाते हुए जब घर पहुंचती है तो बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, अर्थात बूढ़ा मर चुका था। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, उसकी तरफ देखा नहीं, उसकी तरफ उम्मीद भरी नजर से कि वो भोजन देगी उसने नहीं देखा। माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यहाँ माटी वाली माटी का काम करती है तो वो मिट्टी है, और ये माटी यानी संसार को छोड़ के वो जा चुका है। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाना, दफन करना, श्मशान ले जाना ये बड़ी समस्या होती है, और वो तो गरीब है, उसको तो कोई जमीन नहीं। पानी भर रहा है टिहरी बांध, पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है, और उसके बाद उससे प्रमाण पत्र मांगा। तो माटी वाली कहती है, मैं तो लोगों के घरों में मिट्टी पहुँचाती हूँ, वही पहुँचाते पहुँचाते जो है मेरी जिंदगी गुजर गई। तो माटी वाली से वो साहब पूछता है, तहसील का जो अधिकारी है वो पूछता है कि मिट्टी कहाँ से लाती हो, माटा खान से, तो क्या वो माटा खान तुम्हारे नाम पर है, अगर है तो दिखा। तो कहते माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, वहाँ से तो मैं मिट्टी खोदती हूँ और बेचती हूँ। कहते अरे रोजी नहीं, उसकी उस जमीन का कागज चाहिए जिसे देखकर समझा जा सके कि तुम्हें कहाँ जगह दी जाएगी। आज उसके पास अपने पति को जलाने के लिए भी दो गज जमीन नहीं है। आगे पढ़ेंगे कल अगले पाठ में। धन्यवाद।